तो दोस्तों दुनिया में सब कुछ हो सकता है, मछलियां पेड़ पर चल सकती है, एलोन मस्क दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि लोग बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद भी कर सकते हैं। मगर फिर भी अक्षय कुमार साल में 4 ही फिल्में लाएंगे, चाहे सारी फिल्में फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी अक्षय कुमार किसी मशीन गन की तरह फायर करते रहेंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो पूजा एंटरटेनमेंट जो एक टाइम पर अच्छी फिल्में बनाता था, आजकल रीमेक बना रहा है, क्योंकि अभी कल ही कठपुतली का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो एक रीमेक फिल्म है। मतलब कमाल है, अक्षय कुमार ने इस साल कठपुतली को पकड़कर 4 फिल्में की है जिसमें से 2 रीमेक है। जब अक्षय कुमार को पता है कि आजकल बॉलीवुड में रीमेक की क्या हालत हो रही है, तब भी एक साल में 2-2 रीमेक। और रक्षाबंधन अभी आई है यार, और रक्षाबंधन की आग ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि अक्षय ने कठपुतली की मशाल जला दी। अगर मैं बात करूं ट्रेलर की, तो ट्रेलर अच्छा है और इसकी सिनेमेटोग्राफी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और अक्षय कुमार भी पुलिस के रोल में ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि वो हर बार अगर पुलिस के रोल में हो तो कुछ कमाल ही करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? वरना केसरी और सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे हैं, उनकी फिल्में भी इसी वजह से फ्लॉप जा रही है। लेकिन इसमें अक्षय को क्या, उन्हें बस पैसे कमाने हैं और इसीलिए वो तो हर फिल्म को बस साइन करते रहते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं तुम्हें सीधे सीधे बताऊं तो ट्रेलर अच्छा है, और पूजा एंटरटेनमेंट की और फिल्मों की तरह ही इसमें भी बारीकियों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि सीरियल किलर फिल्म वाली लोकेशन का भी ध्यान रखा गया है, ये लोकेशन उसको बिल्कुल सूट करती है। साथ में कठपुतली का जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म की सीरियसनेस को प्रेजेंट करता है, वो मुझे काफी कमाल लगा। और इस बैकग्राउंड म्यूजिक से हमें बिल्कुल डेंजरस वाली वाइब आती है। अक्षय कुमार भी इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, और सीरियसली उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर भी इतने सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी इसका एक ही माइनस पॉइंट इन सब पर भारी पड़ सकता है, और वो है रीमेक। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि अक्षय कुमार की कठपुतली 2018 में रिलीज हुई तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म रत्शासन का हिंदी रीमेक है। अब तुम में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब बॉलीवुड को पता है कि रीमेक इतने फ्लॉप जा रहे हैं, फिर भी ये झक मार के क्यों बना रहे हैं रीमेक को? तो इसका सीधा सा आंसर है, ये सारी फिल्में पहले से ही शूट हो चुकी है, इन पर पैसा लग चुका है, और मजबूरी में इन्हें रीमेक फिल्में होकर भी रिलीज करना ही पड़ रहा है। कुछ भी, कुछ भी। वैसे अक्षय की इस साल की 3 फिल्में फ्लॉप रही है, और कठपुतली का क्या होगा मुझे सीरियसली नहीं पता, मगर मैं ट्रेलर देखकर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसके कई सीन को देखकर साफ पता चलता है कि फिल्म कॉपी पेस्ट होने वाली है। अगर तुमने रत्शासन देखी है तो तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा कि गाड़ी वाला सीन और उस मास्टर को मारने का सीन बिल्कुल वही है। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म में बहुत सारे सीन कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। अगर तुमने रत्शासन नहीं देखी है तो YouTube पर फ्री में देखने को मिल सकती है, वो भी हिंदी डब में। वैसे तुमको क्या लगता है, अक्षय की कठपुतली हिट होगी या फिर फ्लॉप, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।